ट्रक यूनियन और कैटर यूनियन के आपसी खूनी संघर्ष पर अब पुलिस सख्त होती दिखाई दे रही है। जो भी इस विवाद से जुड़े आरोपी थे उनकी धरपकड़ आरंभ हो चुकी है। जहां एक ओर कैटर यूनियन पर कार्रवाई की गई, वहीं पर ट्रक यूनियन के कार्यकर्ताओं को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। आपको बता दें कि कैटर यूनियन के ऊपर पुलिस पहले ही कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। वहीं अब ईटेक के पूर्व उपाध्यक्ष यशपाल ठाकुर को भी पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन शिव कुमार शर्मा ने बताया कि दो यूनियन के आपसी विवाद में परमाणु के भीतर काफी लड़ाई झगड़े हुए और यहां तक कि तोड़फोड़ और कैटर यूनियन अध्यक्ष पर जानलेवा हमला भी हुआ है। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले कैटर यूनियन के 14 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था और आज ट्रक यूनियन के पदाधिकारी यशपाल के साथ दो और को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 27 सितंबर 2018 को परवाणु थाना में केस दर्ज हुआ था अंडर सेक्शन 452, 341, 147, 149, 427, 506 IPC। इस केस में फर्दर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिछले कल तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यशपाल उर्फ पाली, ये कामली का रहने वाला है; रोहित कुमार उर्फ सिंटू, ये परवाणु का रहने वाला है; विशाल बालिया टिपरा कालका हरियाणा का रहने वाला है, ये 29 साल का व्यक्ति है। इनको पिछले कल इस केस में अरेस्ट किया गया है, आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा।